हम स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वाले का टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे, वन लाइन एग्जाम है नहीं, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको सामने दिया रहा है। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश, पहली बार आया तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना। ये टॉप 20 एमसीक्यू कंप्यूटर का मेमोरी से, जो आपके विगत वर्षों में 12 बार पूछे गए हैं, एक बार अपना लेवल चेक कीजिएगा कि आप लोग कितनी तैयारी में, ठीक है। कभी भी एग्जाम हो सकता है, व्यापम में, शिक्षक भर्ती, चाहे हॉस्टल वार्डन, है ना, इसका पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। लगातार सीरीज चल रही है हमारी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना लेवल चेक करना स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क यानी कि FDD में टेक्स्ट संख्या कितनी होती है, आपको मालूम होगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, है ना। सभी लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना 20, और वन लाइनर है और टेस्ट रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, अपना आपको परखिए अब कितने आप लोग सही बना है, कितने गलत है। आप लास्ट में आपका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, ठीक। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में FDD, अब फ्लॉपी डिस्क अभी को मालूम होगा 1.44 MB, ठीक, इसका जानकारी भी पता चलो होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए बी सी या डी इसका आंसर होगा, जितने लोगों का आंसर भी आया है बिल्कुल गलत है, इसका आंसर आपका होगा सी 180, याद रखना जो FDD में होता है टेक्स्ट की संख्या उसका 80। अब FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे FDD का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, याद रखना FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में टेक्स्ट की संख्या पूछा गया है 3.5 इंच में, और यह व्यापक में बार बार पूछा गया है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है आपका रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखना रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म से एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाते हैं, कल की क्लासेस में रहेगा, शाम 4 बजे कंप्यूटर की क्लास, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कितने समय क्लास अटेंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे शाम 4 बजे आपका रहेगा कंप्यूटर, ठीक, नोट करते चलेंगे समय आपका। कई लोग पूछते हैं ना शाम 4 बजे कंप्यूटर, 5 बजे आपका रहेगा छत्तीसगढ़, ठीक, 6 बजे आपका रहेगा इंडियन जीके, है ना, 7 बजे रहेगा करेंट अफेयर, 4 एक दिन में 4 क्लासेस अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल सही, क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। आंसर पहला है आपका ए रीड ओनली मेमोरी, एक और है आर ए एम का फुल फॉर्म होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म, एग्जाम में जो जो पूछा जा रहा है वो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कवर हो पाए, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीएडी, सीएडी का मतलब क्या होता है, तो सीएडी का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एडेड डिजाइन, ठीक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर पूछ लिया जाए डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। सभी का सभी फुल फॉर्म आपको बताते चलूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक, ऐसे वीडियो देखने के लिए, ओके ना। चलिए इसका आंसर पहला आएगा। अब देखेंगे आंतरिक मेमोरी के लिए कौन सा कथन असत्य है ना, आंतरिक मेमोरी कौन सा कथन असत्य है, अगर एग्जाम में जाओ पहले ये वाला टॉपिक को ऐसे गोला लगा लेना, ठीक। सभी लोग कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा। 20 टॉप 20 MCQ टेस्ट सीरीज ना, मेगा टेस्ट सीरीज है, आप लोग अच्छे से समझ के जाएगा, और इसमें आप 50 क्वेश्चन फुल फॉर्म से एग्जाम में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए, यह सीपीयू के अंदर होता है, इसमें सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है, इसकी भंडारण क्षमता असीमित होती है या अस्थायी ऑप्टिकल होती है, तो देखेंगे आंतरिक मेमोरी पूछा गया है, ठीक है। तो आंतरिक मेमोरी के लिए ऑप्शन सही है
ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि आपका आंसर भी बिल्कुल गलत है। ये आपका आंसर गलत है और यही आपका असत्य है, ठीक है? ओके चलिए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके बता सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज होता है, जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा इंटरनल वाला, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल टेस्ट है, ठीक? इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या वर्चुअल? तो मैंने आप सभी को क्लासेस कराया था कि मेमोरी से, है ना, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं मेमोरी से प्रश्न, ठीक? एग्जाम में डायरेक्ट मेमोरी से, मल्टीमीडिया से, सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको डेली कंप्लीट कराऊंगा, ठीक? तो इसमें आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या वर्चुअल। तो इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज होता है, तो इंटरनल स्टोरेज में आपका होता है किस प्रकार का, बी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी, ठीक है? सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। और सहायक मेमोरी में क्या आ जाएगा आपका, सहायक मेमोरी में उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक? अब यहाँ इसको दो और भाग में बांटा जाता है, सहायक मेमोरी इधर, है नहीं, तो मैग्नेटिक टेप और क्रमानुसार मेमोरी, इसी को मैग्नेटिक टेप भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें और आएगा एक, ठीक, इसमें और आता है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, और ये आपका जो कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, ओके? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषताएं क्या है, तो इरेजेबल का क्या आएगा आपका, इस पर जल्दी से बताएंगे, चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा नहीं पांचवा का, इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, यही इसके विशेषताएं हैं, ठीक? कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत सेव रहता है, यानी कि जब भी अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर बंद कर देते हो, उसमें जो डाटा रहता है यथावत सेव हो जाता है, डायरेक्ट इसमें होता है। तो जब भी कंप्यूटर बंद रहता है तो आपका डाटा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, इसका आंसर सी होगा, है ना? अब कंप्यूटर अगर बंद कर देने पर किसमें डाटा यथावत नहीं रहता, तो आपको हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, और मुख्य मेमोरी को क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी, ठीक? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम होगा, हार्ड डिस्क का आएगा क्या, इसका आंसर सातवां का, बिल्कुल सही जवाब। किस साइज के फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, या फिर व्यापों में बार बार चार से पांच बार पूछा गया है, कितने बार, चार से पांच बार, तो किस साइज का फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा 5.25 इंच और 3.25 इंच, याद रखना, किस साइज का फ्लॉपी डिस्क, है ना, ऐसा कौन सा साइज है जिसका फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच और 3.25 इंच, याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा गया है ना? तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करूं तो 1.44 MB, सीडी का पूछा जाए 700 MB आता है ना एग्जाम में, डीवीडी का 4.7 GB, है ना, इसके बाद ब्लू रे डिस्क अगर पूछा जाए इसका आ जाएगा 25 GB, ठीक? एक और बताना चाहूंगा, मेमोरी में बिट, बिट जो है सबसे छोटा है, जबकि अगर पूछा जाएगा डाटा बेस, डाटा बेस ये सबसे बड़ा डाटा है, सबसे बड़ा मेमोरी, ठीक है, सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा पूछा जाए तो बिट। अब इसको क्रम वाइज में बताऊंगा, यहाँ पर आप नोट करेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे, बिट सबसे छोटा आपका आ जाएगा बिट, उसके बाद आपका आ जाएगा कैरेक्टर, है ना,
बिट, 8 बिट या 1 बाइट को क्या बोलते हैं करेक्टर, इसके बाद आ जाएगा आपका बिट बाइट करेक्टर, यस। उसके बाद आ जाएगा आपको इधर आपका आ जाएगा डाटाबेस, ठीक। ये इस प्रकार का बना रहता है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता को क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए 9वां का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं, याद रखना। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली फाइल की अधिकतम मात्रा को मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, अब कैश किसके लिए किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी और प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका वन लाइनर है, टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, सभी ले और ज्वाइन कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, यही देखने क्वेश्चन आता है, ठीक। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच क्या करता है अंतर समझता है, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो 11वां का आपका आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक। मैं आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक, नोट करेंगे क्या, मेमोरी से पूछे गए प्रश्न, ठीक। अब मेमोरी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार का होता है। तो मेमोरी जो होता है 2 प्रकार का होता है, रीड एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कौन से मीडिया में डाटा की जो जानकारी है यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर या लिखने की क्षमता है, इसका है CDR, CDW, गिफ्ट डिस्क या ऑप्टिक डिस्क, क्या इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है आपको मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ा इकाई टेराबाइट, टेराबाइट, और सबसे छोटा में केबी, केबी मतलब किलोबाइट, किलोबाइट के बाद है एमबी, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, ठीक। इस प्रकार का सीरीज चलता है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो किलोबाइट, सबसे पूछा जाए तो टेराबाइट। जब प्रोसेसर का प्रयोग होता है तब डाटा प्रोग्राम कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी, सेकेंडरी डिस्क या प्रोग्राम में, इसका आंसर होगा ए, जब भी प्रोसेसर का प्रयोग करेंगे डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में, ठीक है। लाइट ऑफ हो चुकी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयारी करते रहे, ओके। अब देखेंगे डीवीडी, डीवीडी का उदाहरण क्या है, डीवीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, और ऑप्टिकल डिस्क में कितने प्रकार से आते हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इसका पूरा मैं आपको जानकारी बता दिया हूँ, ठीक है, पूरा मिल जाएगा आपको। निम्न में से रैम नहीं है, रैम क्या है, फ्लैश, ड्रैम, स्रैम या फ्रेम, PRAM, ये क्या है, रैम नहीं है, बाकी तीनों डायनेमिक, स्टैटिक और फ्लैश, ये सभी रैम है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मापा की इकाई नहीं है, मापा पूछा गया है मतलब गीगाबाइट, क्योंकि किलोबाइट, मेगाबाइट और सीबी, ये सभी मापक हैं, क्या है, मापा, जबकि गीगाबाइट क्या है, गीगाबाइट शुद्धता रूप है, शुद्धता, गीगा का मतलब होता है शुद्धता रूप, ठीक। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी का मानक आकार नहीं है, फ्लॉपी का 3.25 फ्लॉपी का मानक आकार है, 5.1/4, उपरोक्त तो सभी, तो इसका आंसर सी होगा, मानक आकार नहीं है, ठीक है। फ्लॉपी का पूछा गया, फ्लॉपी डिस्क का अगर पूछा जाए तो 1.44 MB में आएगा, ठीक, और ये आपका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तभी आपको बताया, सबसे छोटा में किलोबाइट, ठीक।
निम्न में से सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस है, सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस यदि सॉरी बाइट है, बाइट के बाद किलो बाइट आएगा, बीट बाइट, बीट बाइट केबी के बाद एमबी, उसके बाद जीबी टीबी, इस प्रकार क्रम वाइज है ना, बीट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी। निम्न में से सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, सीक्वेंशियल एक्सेस आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप है ना, तो 19 का आंसर होगा आपका डी मैग्नेटिक टेप, जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है मैग्नेटिक टेप होगा। निम्न में से कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है, बिल्ट इन मेमोरी किस में होता है, रोम में, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और प्रोग्रेस रैंडम ओनली मेमोरी, ई प्रॉम प्रॉम ठीक है, इरेसेबल इरेसेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेसेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्लासेस टाइम बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज रहेगा बिल्कुल हर समय है ना, प्रारंभ किया गया शाम 4 बजे, शाम 4 बजे आपका रहेगा कंप्यूटर, ठीक। इसके बाद 5 बजे आपका रहेगा छत्तीसगढ़, 6 बजे आपका रहेगा करेंट अफेयर, 7 बजे रहेगा इंडियन जीके, ठीक। तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो हॉस्टल वार्डन हमें कंप्यूटर का 30 है ना, मैथ्स का 25, हिंदी इंग्लिश 55 नंबर, इंडियन जीके 15, छत्तीसगढ़ 5 है ना, उसके बाद करेंट, ये सभी मिलाकर टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करेंगे।